कि तेज प्रताप यादव जी को बयान देने से पहले 20 बार सोचना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए कि किन गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या राय जैसी सुशील कन्या को घर से निकालना पड़ा। उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली के फार्म हाउस में किस लड़की के साथ उन्होंने छेड़खानी करी थी कि दिल्ली के लड़कों ने उनको पटक पटक कर मारा था। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर जरूरत के वक्त हनीमून पर जाने के आरोप के बाद बिहार की राजनीति में एक के बाद एक सभी मर्यादा टूट रही है। अब मांझी के सबसे वफादार सिपाहियों में से एक दानिश रिजवान ने लालू की बहू ऐश्वर्या राय के घर छोड़ने और दिल्ली के फार्म हाउस में तेज प्रताप तेजस्वी की पिटाई जैसी बातें कही है। एक बार फिर सुनिए दानिश रिजवान ने क्या कहा। तेज प्रताप यादव जी को बयान देने से पहले 20 बार सोचना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए कि किन गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या राय जैसी सुशील कन्या को घर से निकालना पड़ा। उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली के फार्म हाउस में किस लड़की के साथ उन्होंने छेड़खानी करी थी कि दिल्ली के लड़कों ने उनको पटक पटक कर मारा था। तेज प्रताप यादव जी की इन्हीं गंदे और अश्लील बयान की वजह से आज लालू परिवार की फजीहत हो रही है। इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे निकम्मे औलाद को घर और परिवार से बाहर करें। इससे पहले जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के हनीमून पर जाने की बात कही तो उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपना आपा खो बैठे। तेज प्रताप ने कहा कि मांझी बंद कमरे में क्या क्या करते हैं हमें पता है। तेजस्वी जी हनीमून पर चले गए हैं। देखिए मांझी जी क्या क्या करते हैं कमरा में, अभी हम भी पोल खोलेंगे। मांझी जी जो बगल में हमारा आवास है, अपने आवास में क्या क्या करते हैं हमको सब पता है, आपके सामने हम रखेंगे उनका सच्चा। देखिए वो सीनियर हैं, हम लोग ने हमला हमारे संगठन में थे, वो हमारे पार्टी से निकल करके जाकर नीतीश कुमार जी के साथ फिर बने वो, लेकिन उनका उम्र जिस तरीके से है उस उम्र का लिहाज रखना चाहिए, बुढ़ापे का कम से कम लिहाज उनको रखना चाहिए। घूमने नहीं जाता, उनका बेटा केस में नहीं फंसा था, पुलिस जो हौलदारी थी जो पुलिस कर्मी जो थी उनके साथ उनका बेटा का लफड़ा हो गया था, ये चीज़ नहीं दिखाई देता है। मतलब कोई भी आदमी बाहर जाएगा तो हनीमून ही मनाएगा, आप बाहर जाइएगा तो आप हनीमून मनाइएगा मांझी जी। तो इस तरीके का बयान से बचना चाहिए, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष का एक दूसरे पर आरोप लगाना आम है, लेकिन सबसे पहले जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के हनीमून पर जाने जैसा अभद्र बयान दिया। बाद में तेज प्रताप ने प्रतिक्रिया में बिना फिल्टर के जीतन राम मांझी के बंद कमरे के राज सार्वजनिक कर दिए। और अब दो कदम आगे बढ़कर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान लालू की बहू और तेज तेजस्वी की पिटाई तक पहुंच गए। बिहार के नेताओं को चाहिए वो पहले तोले और फिर बोले। पटना से उत्कर्ष सिंह, बिहार तक।